भारत का एक ऐसा अनोखा इलेक्ट्रिक बॉल जिस पर 11,000 वोल्ट का झटका भी है बेअसर। कहते हैं 27 वोल्ट का झटका किसी भी आम इंसान को मौत दे सकता है, लेकिन हरियाणा के महज 16 साल के दीपक जांगड़ा पर 11,000 वोल्ट की बिजली का भी कोई असर नहीं होता, जबकि इतनी बिजली तकरीबन 500 घरों को आराम से रोशन कर सकती है। तो ऐसा क्यों है कि दीपक इतनी वोल्ट की बिजली आराम से सहन कर सकता है? क्या है इसके पीछे का रीजन जो दीपक को इलेक्ट्रिक बॉय बनाता है? क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, सच्चाई जानकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस भाई का भी नाम जान लो। हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ, वेलकम टू माय चैनल सीड का चैनल। आपको इस चैनल पर इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, तो चलो कुछ सीखते हैं। आपको बता दूं कि हरियाणा में रहने वाले इलेक्ट्रिक बॉय दीपक के बदन पर कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दीपक की मानी जाए तो वे ये देखना चाहते हैं कि कितने वोल्ट के करंट के बाद उन्हें वाकई करंट लगेगा। अपने इस अनोखे हुनर पर दीपक का कहना है कि 3 साल पहले वो एक हीटर ठीक कर रहे थे, उसी दिन उन्हें पता चला कि बिजली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हीटर ठीक करते समय उन्हें कई बार करंट लगा लेकिन उनके बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ। दीपक ने यह भी कहा कि वो 11,000 की हाई टेंशन लाइन को छू सकते हैं। अपनी क्षमता को आजमाने के लिए वो हाई टेंशन पर चढ़ गए। 11,000 वोल्ट की लाइन जो गांव को रोशन करती है, उसे छूकर दीपक ने सबको हैरान कर दिया। पहले तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे, साथ ही लोगों को लगा कि दीपक पागल हो गया है और उनकी मां को लगा कि दीपक आत्महत्या कर रहा है। दीपक के मुताबिक उन्होंने 3 साल पहले गलती से खुले तार को छू लिया था, लेकिन इसका असर उनके बॉडी पर नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि बिजली ही नहीं है, अब तो 11,000 वोल्ट की बिजली भी वो आसानी से सहन कर सकते है। दीपक अपने हुनर के बारे में कहते है कि ये हुनर भगवान ने दिया हुआ एक तोहफा है, साथ ही वो खुद को भाग्यशाली समझते है कि वो ऐसा कर सकते है जैसा और कोई नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस अपने अनोखे पावर को खोना नहीं चाहता। आपको बता दूं कि 500 घरों में जितने बिजली की खपत होती है, उससे कई ज्यादा बिजली दीपक अपने ऊपर सह सकते हैं। दीपक बताते हैं कि वे बचपन में करंट से डरते थे, लेकिन हीटर वाले हादसे ने उनका सारा डर बाहर निकाल दिया। तब से दीपक अपने इस अनोखे हुनर को आजमाते रहे हैं। दीपक करंट वाली नंगी तार को अपने जीप पर भी रख लेते हैं, यही नहीं पानी में करंट वाली वायर डालकर उसमें हाथ भी डाल लेते हैं। हालांकि उनके बदन में ऐसा क्या है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। दीपक ने बताया कि जब उनके टीचर को इस बात का पता चला कि उन पर करंट का असर नहीं होता, तब लोगों ने और साथ ही उनके टीचर ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, लेकिन उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला। दीपक की सारी रिपोर्ट नॉर्मल ही निकली। इसके बाद टीचर उनके वायर पकड़ते हुए फोटो खींचने लगे, जैसे कि दीपक कोई फिल्म स्टार हो। खैर, फिल्म स्टार का तो कोई पता नहीं, लेकिन सच में दीपक थोड़े अनोखे और अलग है, इसलिए दीपक को सारे लोग इलेक्ट्रिक बायजो कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के इस इलेक्ट्रिक बॉय के बारे में, मुझे कमेंट्स करके बताइए। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे ऐसे ही बेहतरीन और रोचक वीडियो के लिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में आके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।